यार बैठे बैठे बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कहीं चलते हैं। तो कहाँ चलने का? हाँ चलो ऐप खोल लेता हूँ। चलो कल संडे सबसे सस्ता टिकट मिल रहा है अहमदाबाद का। चलो देखते हैं कितने का टिकट मिलता है। सी ओनली 2000 2000 2000। ये फिल्टर गलत लगे हुए। एक मिनट। सुबह पहुंचना पड़ेगा तो फिर पूरे दिन का आनंद ले सकते हैं। चलो 15 kg 7 kg। मैं तो बिना लगेज के जाने वाला हूँ तो चलो ये फ्लाइट बुक कर लेते हैं। ठीक है डन। देखो गाइस मेरी फ्लाइट बुक हो गई है। आकाश एयर 850 टेन टेन को पहुँचाएगी अहमदाबाद और मैंने 225 रुपये बचा लिए इस बुकिंग में। इतना स्पर ऑफ द मोमेंट क्या पता नहीं क्या होगा। चलो कोई इसलिए आपने देखा और टिकट मैंने बुक कर दिया। हाँ पर नहीं जाके देखते हैं ना स्पर ऑफ द मोमेंट एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं। ये भी एक्सपीरियंस करना रहता है। लेकिन वहाँ जाने से पहले मुझे ऐसा फीलिंग आया अंदर से कि थोड़ा हेयर कट वगैरह करवा दूँ जंगली बन गया हूँ। एक्सपेरिमेंट करने से पहले थोड़ा कम जंगली बनूँ तो चलो चल के हेयर कट करके आते हैं। हाय गाइस मैजिक हो गया ना हेयर कट। लेट्स गो फॉर आवर ट्रिप। सुबह हो गई। नहीं हुई है अभी तक। अलेक्सा गुड मॉर्निंग। अब वही सोच रहा था क्या सीन है। मेरी घड़ी में ना अलार्म बज रहा है। अलार्म गुड मॉर्निंग। अब ना मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है तो बस 1 घंटे में निकलना है। लेकिन पैकिंग करना ही क्या है। ये मेरा आज का लगेज होगा। ये दिस चलो रेडी होते। हाँ तो गाइस देखो बाहर अभी भी अंधेरा है एंड आई एम ऑल सेट टू गो। ये मेरा टोटल लगेज है। सो लेट्स गो टू अहमदाबाद। इतना ही लेके जाने वाला हूँ तो अभी निकलते हैं। फ्लाइट टू कैच। गूगल पे देखा कि अहमदाबाद में बारिश होने वाला है तो अभी मैंने ये छाता भी पकड़ लिया है। पता नहीं गाइस ये प्लेन के अंदर छोड़ेंगे कि नहीं। दिस इज गोना बी वियर्ड। वियर्ड नहीं दिस इज गोना बी अ लर्निंग लेसन्स कि प्लेन के अंदर छाता छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं। तो कितना सुनसान सुनसान सा है सब। ओह डियर लॉर्ड। बताओ देखो एक ऑटो आया जो रुका भी नहीं। अब पता नहीं मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचा। घोड़े लग गए। घोड़े लग गए। मुझे तेरे सामने बोल नहीं सकता। चलो मिल गया ऑटो। ये अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स ना यार बड़ा तकलीफ देह होता है। सुबह सुबह उठो रेडी हो जाओ फिर ऑटो रुकने का नो सर्कस करो और एयरपोर्ट पहुँचो। मैं नॉर्मली ये प्रेफर नहीं करता हूँ लेकिन क्या करें। वन डे ट्रिप अगर प्लान करना है तो सुबह जल्दी जाके रात को लेट आना यही तो ऑप्शन रहता है। इन स्पर ऑफ द मोमेंट प्लानिंग थी तो कर लिया।
पहुंच गए टर्मिनल वन। टर्मिनल वन तो आ ही गए, अपना गेट नंबर 28 है। सुबह सुबह की फ्लाइट में ये भी होता है, देखो कितनी जल्दी पहुंच गया, बहुत बिफोर टाइम आ गया हूँ, अभी अंदर कम से कम 1 घंटा बैठना पड़ेगा। ये तो एनालाइज ही नहीं किया था मैंने। बबुंग बबुंग, तो अभी पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। ज़्यादा ही जल्दी आ गए। जल्दी आने के बाद पता नहीं चलता क्या करने का। अभी टर्मिनल वन है, टर्मिनल वन में कुछ करने के लिए भी है नहीं, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है। पता है कल हमने डीजी यात्रा सब कुछ करके रखा था, फिर यहाँ पर आने के बाद पता चला यहाँ पर बोर्ड लगा है डीजी यात्रा अराइवन से, मतलब मुंबई एयरपोर्ट टर्मिनल वन पर डीजी यात्रा की फैसिलिटी चालू नहीं हुई है। इट विल स्टार्ट लेटर ऑन, टर्मिनल टू पे स्टार्टेड है। सो दैट्स दैट। मैं जा रहा हूँ अकासा एयर से, शायद वो ही है ना, ये अकासा का ही टी है, मेरे से वही मेरी फ्रेंड है जो आके रुकी हुई है, अभी देखते बोली का बोलते। गाइस बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो बस बोर्डिंग की फ्लाइट बोर्ड कर। यार फर्स्ट इम्प्रेशंस में इसकी सीट बड़े पतले पतले लग रहे हैं, ये सीटों के बीच में गैप थोड़ा सा रखा हुआ है लग रहा है, और सीट बहुत पतले लग रहे हैं। बैठने में पता चलेगा कितना कंफर्टेबल है कितना। देखो बूंदाबांदी तो चल ही रही है यहाँ पे, यहाँ से वहाँ पे भी जाके वही होने वाला है, सेम टू सेम। जैसे मैंने कहा था ना, देखो सीट में गैप बहुत कम है, मेरे पैर मैं इतना लंबा नहीं हूँ फिर भी अटक रहे हैं। हाँ तो जैसे कि मैं बोल रहा था, ये देखो साइड का सीट भी एकदम पास में ही है और सामने भी कम स्पेस है, ये मतलब इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना शायद इंडिगो भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है। देखते ज़्यादा लंबा फ्लाइट तो है नहीं, और यहाँ विस्तारा में यहाँ पे स्क्रीन होता है, इसमें स्क्रीन भी नहीं है, ठीक है लो कॉस्ट स्क्रीन नहीं हो वो तो पॉसिबल है। ये इनका मेन्यू है, अंदर क्या क्या मिल सकता है वो दिया हुआ है, रेडी टू ईट स्टफ ज़्यादा हैं, और फिर चॉकलेट्स वगैरह हैं और मिल्क शेक्स एंड ऑल, शायद आई गेस इंडिगो से शायद बेटर है, आई डोंट नो। वापस आने वाली फ़्लाइट इंडिगो है तो उसमें तब देख लेंगे क्या है। सर्विस तो बढ़िया है, आके सबको पानी सर्व करके गए थे। चलो टेक ऑफ के लिए प्लेन ने टैक्सिंग शुरू की है, ये आप देखिए थोड़े बबूम एयरपोर्ट शो। ये थोड़े गो फर्स्ट के फ्लाइट्स खड़े हैं, ये भी बंद हो गया ना एयरलाइन, फिलहाल ऑपरेशनल नहीं है। देखो सारे इधर पार्क होके खड़े हैं गो फर्स्ट।
देखिए लैंडिंग, वाओ मस्त शॉट मिला यार, सही शॉट एकदम, लव इट लव इट लव इट। There's the sea. Oh, I can't see. Oh yeah, now I can see. Oh, they go see you around Mumbai. Bye bye Mumbai. See you in the evening. Evening, night. See you tonight. Bye bye. ये देखो, ये रेयर साइट है, हमेशा नहीं होता है। नीचे दिख रहा है रेनबो बना हुआ है, उसके अंदर हमारे प्लेन का शैडो। ये मेरे को बहुत साल पहले जब चेन्नई जा रहा था तभी भी ऐसा सीन दिख रहा था। हर फ्लाइट में नहीं दिखाई देता है, थोड़ा फेड हुआ है, लेकिन मस्त एकदम सनलाइट के गिरने के ऊपर है, वरना अच्छे से गिरा तो एकदम ब्राइट सा एकदम प्लेन का शैडो दिखता है। बहुत मस्त लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें देखने में, मज़ा आता है। बार प्लेन से जाता हूँ, लेकिन हमेशा ये जो व्यूज मिलते हैं ना, ये हमेशा मुझे बहुत एक्साइट करते हैं। एंड वी आर गोना लैंड, ये लैंडिंग। हेलो अहमदाबाद गेम छो, देखो वहाँ के बारिश से निकल के आया यहाँ के बारिश पे। बारिश। अब मेरा तो सिर्फ एक छोटा सा पाउच है, तो मेरे को बैगेज कलेक्शन पे जाना नहीं है, मैं तो डायरेक्ट एयरपोर्ट के बाहर निकलूँगा। अब टास्क ये है कि बाहर जाके क्या करूँ, वही सोच रहा हूँ। बाहर निकल तो चुका हूँ, यहाँ पे अभी आगे जाके ओला उबर वगैरह हैं, देखते हैं ओला से जाते हैं कि रिक्शा से। अहमदाबाद जा रहे हैं अटल ब्रिज, charging me more, but what to do, this is the first time experience, let me see. This is Ahmedabad airport ka parking, bike parking, wahan pe airport hai, so let's explore Ahmedabad. Ab riksha wale ko aane ke liye ruka hua hu, देखो खड़े खड़े एक और एयरलाइन एक्शन देख लो, अरे रूम होना है भाई, नहीं हो रहा है डैम, जब से ये कुछ नहीं होता है, ये कोई गाड़ी भी आगे बाजू में छान लेगा। लो जी आ गया हमारा रिक्शा वाला, अब बैठ के जाते हैं अटल ब्रिज, देखिए अगले ब्लॉक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले ब्लॉग में घूमेंगे अहमदाबाद, आज ही घूम के आज ही शाम को वापस जाना है, पर व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है। ओके बाय।